आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं सुहेल अख्तर आज उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में मजूरी खुर्द के प्रधान सीताराम यादव से जो है आज विकास पे जो है बात करेंगे। जो प्रधानपति हैं सीताराम यादव यहाँ के प्रधान भी हैं यहाँ बैठे हैं और पिछले पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल में उनकी वाइफ प्रधान है। इनसे हम विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी स्कीम लागू हुई है, इन्होंने अब तक क्या क्या विकास किया है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम यादव, ग्राम प्रधान पति हूँ, पूर्व प्रधान भी हूँ। मेरे यहाँ विकास की स्थिति जहाँ तक यह है कि सरकार भले डिजिटल इंडिया बनाई हो, लेकिन गांव की जो गरीब हैं, गांव की गरीबों में जहाँ गांव के लोग रहते हैं, वहाँ किसी तरह का ऐसा विकास नहीं हुआ है। ना कोई इस तरह का खड़ंजा हुआ है, ना इस तरह का कोई इंटरलॉकिंग हुआ है, ना इस तरह का कोई व्यवस्था है। पूरा जो है कि पारफ्रेंस ग्रांट का सरकार ने जो पैसा दिया, उसमें भी हम लोग तब जो काम करना था किए, उसके बाद भी वह खाता को जो है ब्रेक कर दिया गया। राजवीत का जो पैसा है, उसमें भी हम लोग जाने के बाद विकासखंड अधिकारी महोदय लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर ब्रेक लगा हुआ है, सरकार शासन से मना किया गया है। बार बार ऐसी मीटिंग में हम लोग जा कर के जिला से लेकर के तमाम ऐसी जो है नेताओं से कहे, DM से कहे, कोई इस तरह का समस्या हम लोग को सुनने वाला नहीं है। कोई मंत्री चाहे जो है यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक कभी गांव में ही नहीं आए। चुनाव के बाद जो है वो बनने के बाद कभी मेला बाज़ार में आ जाते हैं, वहीं से चले जाते हैं। विकास के नाम पे आपसे बताया जाए, जो लाइटिंग और शौचालय की बात है, महंगाई के हिसाब से अब प्रधान जो है कि अपनी गला बचाने के लिए क्या क्या स्थितियाँ से बनवा रहा है। गांव के लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो है कि खुद को बनवा लीजिए, तो वो लोग भी तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग जो है किसी भी स्थिति से बनवा रहे हैं इसको, आप जो है अच्छी तरह से शौचालय को देख लीजिए। जितना हम लोग के पास आया था हम लोग उसमें भी जो है पूर्ण किए, और जो बाकी साकी है उसमें भी जो है हम लोग समस्या के हिसाब से जो है कर ही रहे हैं। परेशानी से कभी पैसे जो है कि कम पड़ जाते हैं तो इधर से उधर करके सामान में एडजस्ट करते हैं, बालू में एडजस्ट करते हैं, फिर मजदूरी देते हैं। इस तरह का कोई भी नया विकास नहीं है। शौचालय के अलावा शौचालय में भी उस तरह का शौचालय नहीं है, उतना बजट नहीं है। गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास नमक खरीदने का पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है, तमाम ऐसी व्यवस्था है। नरेगा जहाँ तक बात है, हमारी सरकार कहती है कि हमने नरेगा बहुत फार्म में चलाया, 3-3 महीना से नरेगा की मजदूरों का पेमेंट नहीं मिला है। 3 महीना से भी नरेगा का पर मजदूर का पैसा नहीं मिला। हमने जो है कि काम करा करके हमारे दरवाजे पर लेबर आते हैं, बुरा भला कहते हैं, हम लोग सुनते हैं और बोलते हैं भाई ठीक है, थोड़ा लेट होता है, समस्या है, सरकार जो है कि व्यस्त है, पैसा देगी, अधिकारी आश्वासन दिए हैं, बुरा भला कह करके चले जाते हैं। सर पिछली सरकार में इस तरह की कोई समस्या थी क्या? नहीं श्रीमान जी, पिछली सरकार में इस तरह की कोई समस्या नहीं था, समय से पैसा मिलता था। आज जो है 7वां दिन 14वां दिन लेबरों की पेमेंट हो जाता था। हमको जो है कोई खड़ंजा रिपेयरिंग था जहाँ पानी गांव में लगता था, हमारा राजवीत 14वां भी जो है कि एकदम क्लियर था, पानी लग रहा है। प्रधान जी ये रोड एकदम खराब हो गया है, प्रधान जी हमारे गाँव में शादी है जो है, हमारा तमाम व्यवस्था इस तरह का बिगड़ चुका है। हम लोग ने जो है कि एकदम खुला काम करते थे, आज इस तरह का कोई खुला काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है दबाव हो रहा है, दबाव के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक बजट आपका कितना आया शौचालय? अभी तक हमारे यहाँ जो भी बजट आया है 140 का जो बजट आया है, जो दूसरी लिस्ट हमने दिया था, अभी तक उसका जो है कि सुनवाई नहीं है। कितना शौचालय बनवा दिया आपने भी? हमने 170-160 के आसपास बनवा दिया हूँ। टाइल्स भी लगाया क्या उसमें? टाइल्स के जो है जहाँ जहाँ टाइल्स भी लग गई है, कहीं कहीं दरवाजा महंगा है, उसके कारण से जो है बजट कम भी हो जाता है। अभी भी आपको मैं अपनी जो है टाइल्स से और सारी व्यवस्था ये दिखा देता हूँ कि अब हमारे सारी सामान जो है इसी तरह से रखा हुआ है। विधवा पेंशन और विधवा पेंशन हमारे गाँव में नया एक भी नहीं बना, वृद्धा पेंशन एक भी नहीं बना,
पूरा जो है कि जो जितनी हमारी आवास का लिस्ट है, आप मेरे साथ चलें, जो मेरा 14 आवास पूरी इतना बड़ा ग्राम सभा में राजेश्वर गांव जो है 3 है हमारा लेकर के 14 आवास जो है हमारा आया, वो भी पूर्व सरकार की लिस्ट का ही आया। अभी अंतरिम में हमारा 2 आवास आया है, मात्र 2 आवास आया है, जो कि 30 से 40 ऐसे गरीब आदमी हैं कि आज रोते हैं, अंधा हैं, विकलांग हैं। आप श्रीमान अगर आए हैं मेरे गांव में तो आप एक बार मेरे साथ चल करके मड़ई और झोपड़ी और झोपड़ी वालों से बात कर लीजिए कि आपके सामने क्या क्या स्थितियां हैं। यह गांव की बात है, चलिए देख लीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं। सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकार तो सभी आएगी और जाएगी, हम लोग को सरकार से बहुत माने जो है नहीं है, लेकिन हम लोग गाँव के गरीब यही कहेंगे सरकार से कि सरकार गांव पर ध्यान दें। गरीब गांव में रहते हैं, गरीब शहर में नहीं रहते हैं। जब गांव से गरीब जो है कि चले जाते हैं शहर में, कमाते हैं, खाते हैं, पैसे वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं, चाहे नौकरी मिल जाती है, तो कि सारी समस्या तो गांव में है। हमारे यहाँ हमारी समस्या जो है, मान ली हमको मजदूरी करना है, हमको खेती करना है, हमको बच्चे पढ़ाना है, कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हम लोग भैंस गरु तक रखते हैं, खरीदने जाते हैं तो जो है हम लोग ले करके आते हैं तो उसको उसके लिए रसीद मांगी जाती है, पर्ची मांगी जाती है। हम लोग डर के मारे अब भैंस भी नहीं खरीद रहे हैं, गाय भी नहीं खरीद रहे हैं। हाँ, क्या क्या समस्या बताया जाए इस गांव का। तमाम इस तरह का कोई इनका हिंदू बहने वाला आता है, बोलता है तो गौखाना में लेके जा रहा है, ये तो जो है कि मुसलमान है, ये तो यादव है, ये तो ये है। जातिवाद पे जातिवाद चल रही है देश में, तानाशाही चल रही है, कोई विकास की बात नहीं हो रही है। खाली बस जो है इधर से उधर लड़ाया जाए, इधर से उधर बजाया जाए, जनता को गुमराह बनाया जाए, जनता को जो है दबाव दिया जाए। जनता अब बुर्बक नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, खूब अच्छी तरह से गांव की समस्या को जानती है। सर आप भी जो है कि देख लीजिए, हम जो आपको दिखा रहे हैं, मर्जी हो तो हमारे साथ देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। मैं सिर्फ सरकार से यही कहूँगा कि ग्राम प्रधान के ही द्वारा गांव में विकास होता है, और गांव का विकास जो है विकास खंड से, जहां ग्राम सभा का ही विकास नहीं हो तो कोई मंत्री कोई नेता अपने बजट से ना गांव में खड़ंजा कराता है, ना आरसीसी कराता है, ना कोई अपना बजट देता है, आता ही नहीं है। अगर हम लोग की समस्या है कि काफ़ी जो है बजट का एक काम है, अगर विधायक निधि से हो जाए, संसद निधि से हो जाए, आज तक हम लोग की कोई समस्या नहीं सुनने आया, ना हम लोग को कहने को मौका मिलता है, भेंट ही नहीं होगा। जब हम लोग जाएंगे तो साहब से भेंट ही नहीं होगा, अधिकारी से जो है कि कहेंगे तो बोलेंगे इतना बजट जो है कि सरकार के पास होती है, हमारे पास नहीं होता है। हम ग्राम सभा के लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आरविंद।